नमस्कार। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। यहाँ पर रेलवे ने अपनी वैकेंसीज रिलीज़ कर दी हैं। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से जो वेट था, फाइनली आपका वेट ख़त्म हो गया है। तो आपको सभी चीज़ों की डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट स्टॉक्स पर। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, पोस्ट कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो रिक्रूटमेंट जो है दोस्तों, सबसे पहले तो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, ALP, असिस्टेंट लोको पायलट एक पोस्ट है। और दूसरी बात करें टेक्नीशियंस कैटेगरी है दोस्तों, इन सभी में आपकी जो दो पोस्ट हैं मेन, उसके अंडर सब कैटेगरीज रहेंगी टेक्नीशियंस कैटेगरीज में। आगे चलते हैं दोस्तों, जो एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस आया है दोस्तों, पब्लिकेशन इसका है 3 फरवरी 2018, यानी आज से लेकर आप 5 मार्च 2018 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास 1 मंथ है दोस्तों, तो 1 मंथ है आपका इसका फॉर्म भरने के लिए। आज से आप फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जो मोड रहेगा इसका ऑनलाइन रहेगा फॉर्म भरने का, 5 मार्च 2018 तक। और दोस्तों, बात कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेज जो रहेगा इसका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट रहेगा। और उसकी जो डेट रहेंगी दोस्तों, वो आपको अप्रैल और मई के बीच में मिल जाएंगी। अभी डेट्स दोस्तों कंफर्म नहीं हुई हैं, तो आपको वेबसाइट के थ्रू बता दी जाएंगी। और दोस्तों, जो आगे की स्टेजेस का रिक्रूटमेंट होना है वो प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा RRB की वेबसाइट के थ्रू। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको सबसे पहले तो वो बता दें, उसका वैकेंसीज कितनी वो बता दूंगा, क्वालिफिकेशंस मांगी गई है वो बता दूंगा दोस्तों, कितना रिलैक्सेशन रहेगा एज में या बाकी कैटेगरीज में जो भी रहेगा, मैं आपको सभी इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केल ऑफ पे की। तो दोस्तों, यहाँ पे 7th CPC के थ्रू आपको मैट्रिक्स मिलेगा पे का। तो इनिशियल पे आपकी जो रहेगी वो 19,900 रहेगी, और प्लस आपको अलाउंसेस मिलेंगे जो एडमिसिबल होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करेंगे एज की। तो एज आपकी 18 से 28 साल के बीच आपकी एज होना चाहिए, जो कि 1/7/2018 के थ्रू आप देख सकते हैं अपनी, इसके बेसिस पे आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। दोस्तों, जो स्टेजेस एग्ज़ाम रहेगा, तो सबसे पहले तो 2 स्टेजेस रहेगा उसमें, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। और जो एक और टेस्ट होना दोस्तों, वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। और मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें, इसमें जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो रहेंगी आपकी CBT की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो उसमें 1/3 आपकी मार्क्स डिडक्टेड होगा रॉन्ग आंसर पे। तो दोस्तों, आपको मतलब 0.33, एक क्वेश्चन अगर गलत करेंगे आप तो उसका 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपका। और जो अगला एक और टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड रहेगा, उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप बेफिक्र उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसी भी तरह का अलाउड नहीं होगा, जैसे आपको पता ही होगा आप सभी एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपको जो बैन आइटम्स हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए या जो भी, आपको अपनी सेफ्टी खुद रखना है जब एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो दोस्तों, मेन इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं, वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, किस कैटेगरी में आई हैं। तो दोस्तों, जिसमें देख सकते हैं आप, समरी ऑफ वैकेंसीज़ है असिस्टेंट लोको पायलट और अदर वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस। तो दोस्तों, ये दो कैटेगरी में मेन आपका डिवाइड है। तो सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट ALP में कितनी पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी जोन, टोटल जोन मिला के दोस्तों 17,673 पोस्ट आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की हैं। और वहीं दूसरी टेक्नीशियन कैटेगरी की बात करेंगे दोस्तों, तो 8,829, दोनों को मिलाकर अगर ग्रैंड टोटल बात करते हैं तो 26,502 वैकेंसी है दोस्तों। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर आया है जो वैकेंसीज हैं दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छा चांस है, तो आप बिल्कुल ग्रैब कर लीजिए इसको। तो दोस्तों, चलिए आगे जो और भी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सभी जोन वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। अगर आप यहाँ से, आप देखो, मैंने आप पॉज करके अपनी जो जोन है उसके कितनी वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे दोस्तों, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में A1, B1, B2, C1, ये सभी कैटेगरीज में मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखा जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। जो एज लिमिट है
18 से 28 की, दो लोअर एंड द अपर एज लिमिट इज कॉमन फॉर द ऑल नोटिफाइड पोस्ट एंड शैल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज 1/7/2018, तो 1/7/2018 के थ्रू रिवाइज रहेगी। और दोस्तों जो रिलैक्सेशन जो मिलना है अपर एज लिमिट में वो कितना मिलना है आपको ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। SC ST कैटेगरी है दोस्तों, उसके लिए 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं OBC की बात करेंगे तो नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विस मैन को भी रिलैक्सेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं अप टू एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 ईयर्स। तो दोस्तों ये एक्स सर्विस मैन के लिए, और PWD कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 10 साल का रहेगा, और PWD कैंडिडेट्स अगर OBC के रहेंगे तो उनको 13 साल का रहेगा, और वहीं PWD कैंडिडेट्स जो रहेंगे SC ST कैटेगरी के रहेंगे तो उनको 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। तो ये सभी एज रिलैक्सेशन है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर पॉज करना है आपको वीडियो तो पॉज करके आप देख सकते हैं अपने जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं आप उसमें कितना है आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसे कि ये अगर आपको देखना हो। चलिए दोस्तों जो अगली डिटेल उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फीस की मेन बात करेंगे दोस्तों, जो फीस रहेगी कैंडिडेट के लिए वो जनरल के लिए आपकी 500 रहेगी, और वहीं बात करेंगे SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट PWD कैंडिडेट ट्रांसजेंडर दो इन सभी के लिए दोस्तों आपकी 250 फीस रहेगी। और जो फीस रहेगी इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे भी आपको करना है 5 मार्च 2018 से पहले पहले दोस्तों। और वहीं ऑफलाइन पेमेंट भी हो जाएगा आपका जो SBI ब्रांच चालान के थ्रू हो जाएगा। SBI बैंक में ब्रांच में जा सकते हैं, वहाँ से चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस में भी चालान मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली जो डिटेल है मेन उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सभी आपका जो रिलैक्सेशन जो मिलना है वो कितना किस कैटेगरी में मिलेगा वो सभी की डिटेल्स यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा वो ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू द लिंक प्रोवाइडर ऑन द। तो दोस्तों आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है, एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अगर दूसरा आप भर देते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली जो स्टेज रहेगी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट, तो ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा ALP और टेक्नीशियन के लिए। तो इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी 60 मिनट यानी 1 घंटे की आपकी ड्यूरेशन रहेगी, और इसमें आपको 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है दोस्तों। और इसमें भी आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी एग्जाम को क्रॉस करने की वो रहेगी जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। और दोस्तों जो PWD कैंडिडेट्स रहेंगे उसकी 2% रिलैक्सेशन रहेगा, और जो फर्स्ट स्टेज रहेगा वो स्क्रीनिंग नेचर रहेगा, और जो इसमें सिलेबस रहेगा वो मैथ्स जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स। तो दोस्तों ये सभी जो सिलेबस रहेगा मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा क्या सिलेबस है इसका एग्जैक्टली किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के। तो दोस्तों अगली वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको आज शाम तक मैं अपलोड आप शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस वीडियो में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो सेकंड स्टेज आएगी CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की, तो दोस्तों जो फर्स्ट स्टेज जो आप क्लियर कर लेंगे वो बाकी जो बच्चे होंगे उनको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे, उन लोग के लिए एग्ज़ाम रहेगा। और जो इसका ड्यूरेशन की बात करें तो ये पहले तो Para 1 और Para 2 दो कैटेगरीज में होना है, इसका 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों जो Para 1 रहेगा, Para 1 की बात करें तो ड्यूरेशन इसकी 90 मिनट्स 90 मिनट का ये होगा, मतलब यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करना है दोस्तों। और इसमें भी जो जो एलिजिबिलिटी रहेगी उसको मिनिमम आपको 40% जनरल के लिए क्रॉस करना पड़ेगा, 30% OBC के लिए, और 30% SC के लिए, और 25% ST के लिए। जैसे कि आपने Stage 1 में देखा था वैसे Stage 2 के Para 1 में आपको ये सभी क्लियर करना होगा। इसका सिलेबस जो रहेगा दोस्तों मैथमेटिक्स जनरल स्टडीज जैसे उसमें था उसी में यह रहेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और Para 2 रहेगा दोस्तों, ये Part 1 था, और जो Part 2 की बात कर लेते हैं तो 60 मिनट का रहेगा, उसमें 75 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो 35% रहेगा। और इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं रहेगा किसी भी कैटेगरी के लिए, सभी को आपको 35% मार्क्स लाना होगा। और दोस्तों जो दोस्तों इसका लास्ट जो
प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जब आप आपका इसका पार्ट वन और पार्ट टू क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों लास्ट स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है फॉर्म की। तो आपको यहाँ पर RRB की वेबसाइट पर जाना है और दोस्तों वहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट वहाँ से आके आप फॉर्म भर सकते हैं। और स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए जिसका साइज़ 15 से 40 KB का होगा, SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्क्राइब फोटो एंड कलर होना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी जो डिटेल्स हैं वो आपको फॉर्म के लिए रहेंगी। और दोस्तों फॉर्म भरने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो मैं आपको अगली वीडियो में फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा वो आपको बता सकता हूँ। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी तरह का आपको डाउट होता है, या दोस्तों आपको किसी भी तरह का सुझाव देना हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी तरह का किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा किसी भी तरह की जानकारी चाहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।